दोस्तों नमस्कार। जिस तरह से आप लगातार ओपिनियन पोल देख रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, और हम जो है 2022 के विधानसभा आगामी चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल कर रहे हैं। आज हम प्रयागराज के विधानसभा हंडिया में पहुंचे हैं। यहां की जनता से भी जानेंगे कि इनका क्या मूड है, किस पार्टी को वोट देंगे, किस पार्टी को नहीं देंगे, और जो सरकार वर्तमान में चल रही होगी सरकार, इनके काम से कितने खुश हैं यहाँ के लोग, आइए बात करते हैं। तो दादा आपका क्या नाम है? मेरा नाम सभा शंकर। हाँ, सभा शंकर है। हाँ। अच्छा, ये कौन सा गांव है? ग्राम परवा। अच्छा, पोस्ट धनुपुर। अभी जो चुनाव होने वाले हैं दादा, तो चुनाव में किस पार्टी को आप नज़र से रख रहे हैं जो मुख्यमंत्री के रूप में? सब दिन बसपा का साथ दिया है, आज भी बसपा के साथ हैं। बसपा के कामों से कितना खुश रहते हैं आप लोग? बसपा काम से बहुत खुश हैं। क्या ऐसा कौन सा काम है जो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं? जो ये उसका शासन अच्छा है, उसका फालतू काम नहीं है, शासन जो भी अच्छा है, उन्होंने जो भी अच्छा जो भी कर रहे हैं अच्छा, ले हम लोग अच्छा किए, खराब नहीं किए। अच्छा, मायावती जो है लगातार अभी ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रहे हैं। हाँ तो ठीक है, तो, करने दो। अच्छा, हाँ हम लोग सहमत हैं। अच्छा, मनोहर कांसीराम साहब को जानते हैं? जी जानता हूँ। उनके जो विचार थे बहुत अच्छे थे। अच्छे थे, आज उन्हीं की देन है कि जो बसपा पार्टी बनी है। तो आपकी बार क्या लगता है कि इस पार्टी को आप समर्थन दे रहे हैं? हम तो अब बसपा को ही समर्थन देंगे, आगे भगवान जाने भाई क्या होगा। अच्छा अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि बसपा कितने सीटों पे जीत करेगी? भाई अब अनुमान तो नहीं बता सकते, लेकिन उम्मीद है कि बसपा की जीत होगी। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम संतलाल है। संतलाल है, तो आपको क्या लगता है 2022 के चुनाव को लेकर? 2022 को अब पार्टी दूसरी बदलनी है, जो था वो सरकार को बदलनी है। अच्छा, योगी जी अब रिटर्न नहीं आएंगे? अब क्या आएंगे? अच्छा, जा रहे हैं। क्योंकि गरीब आदमी का तो गरीब ही स्थान है। अच्छा, वो कोई भी सरकार हुआ कोई स्थान नहीं मिला, और जो बेरोजगार है बेरोजगार ही रह गया। पहले तो था मगर आज बहुत ज़्यादा हो गया, और जो सरकार होने वाली है इसी को हम सब बनाएंगे। कौन सी सरकार होने वाली है? बसपा को। बसपा को जी, माने की मायावती? मायावती। अच्छा, मायावती ये ज़्यादा अच्छी लगते हैं क्या? हाँ भाई, अपना जात अपने ही रास्ते। अच्छा, में जाते हैं। हाँ। अच्छा, जात के नाम पे वोट देते हैं कि कर्म के नाम पे वोट देते हैं? कर्म के नाम पर भी, जात के भी नाम पर। अच्छा, कर्म अपना करेंगे, जाति अपना। काम क्या करते हैं आप? हम मजदूरी काम करते हैं। अच्छा, मजदूरी करते हैं। अब मजदूरी भी लगातार हमारे साथ में महिलाएं भी जुड़ी हैं जो माता के समान हम उनसे भी बात करेंगे 2022 के चुनाव को लेकर। तो माता जी, अभी जो चुनाव होने वाले हैं, आप चुनाव को किस नज़र से देख रहे हैं, किस पार्टी को वोट देंगे? मायावती की। अच्छा, नहीं, समाजवादी पार्टी भी है, अखिलेश भी हैं, योगी भी हैं, तो क्या मायावती को ही देखते हैं आप? योगी हरे सब जाए मायावती आवें। अच्छा, मायावती आवें। हाँ, तब का बहुत अच्छा दुख बा, बहुत दुख बा। अच्छा, क्या दुख है? सभी चीज़ के दुख बा। अब गल्ला मिलता है आपको, किसान निधि मिलता है, प्लास्टिक मिलता, प्लास्टिक मिला, 5 किलो मिला तो प्लास्टिक मिला था। अच्छा अच्छा, झोला भी तो देते हैं ना? हाँ, झोला देते हैं, झोला में बैठे वहीं भाई के बैठे झोला में। अच्छा, तो क्या योगी जी लौट कर आएंगे कि दूसरे को मुख्यमंत्री बनाएंगे आप? ना, योगी जी के वोट न दे। अच्छा, किसको वोट देंगे? हम दे मायावती। अच्छा, मायावती को सभी लोग लाइक करते हैं, क्या बात है? योगी जी मोदी बहुत दिक्कत लिया है। अच्छा, का दिक्कत? हमारे बच्चे परदेश रहे, वहाँ से लॉकडाउन में आए, नहीं कुछ काम नहीं, मार छोटे छोटे बच्चे खाए भी नहीं मर रहे हैं। अच्छा अच्छा, और एक 5 किलो चावल देते हैं तो ओके, हम बच्चे कई दिन खाई बताओ? लड़कियाँ ने स्कूल का मोह नहीं देख पाओ थे, तो 1000-2000 रुपया देते हैं किसान के, वो लाइट बिल जलाई या ना जलाई? गैस सिलेंडर जो है बहुत महंगा हो गया दादी, उस पर क्या कहेंगे? गैस सिलेंडर तो 1200 है क्यों बाबा, धाई दे है कोने, जब पैसे नहीं ना तो कहाँ से जलाई? अच्छा, कहाँ जलाई हो के कैसे बनाई? और लाइट बिल जलाई लाइट ना जलाई, 1000 रुपया हर महीना आता। अच्छा, 1000 रुपये हर महीना आता? हाँ, तो कहाँ से भरी हो के? तो इसी सब समस्याओं को लेकर जो है सरकार बदलना चाहते हैं। हाँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? इंद्रावती। इंद्रावती। हाँ। हमारे साथ में और भी दादी समान है, दादी से भी बात करेंगे। तो दादी बोला, आपका नाम क्या है, नाम जानेंगे? हुबी देवी नाम। हुबी देवी। हाँ। तो आगे आ जाइए, आगे आगे। यहाँ के लोग जो है, सभी लोग जो है मायावती को लाइक करें। हाँ, क्या मायावती को? हाँ, आप कभी देखे हैं? हाँ भैया, मायावती ठीक है, यहाँ कहो इतना बिल के रुपया लागत, मोदी कुछ न देते हैं न लेते हैं, इतना बिल गिराए हैं गरीबन के, कुछ दे तक पावत ना है, ये गल्ला पता ही देते हैं ये या 2 महीना से ज़्यादा कुछ। अच्छा अच्छा, 2 महीने से तो फ्री मिल रहा है ना? हाँ, फ्री मिलता, वही फ्री देते हैं, पैसा के नहीं देते हैं।
और देखत है बिल के अंतराल मोदी का केहन कुछ नहीं करते हैं गरीबन के कुछ नहीं करते हैं शरण ना देखते है घर है वहाँ कहती देखती है कुछ खपड़ा ले है और मोदी का करते हैं भैया कुछ नहीं है धीरे धीरे दू और जर्सी हो गए जीता हन का करते हैं कुछ नहीं करते हैं तो सरकार बदलेंगे क्या हाँ हाँ किसको वोट देंगे मायावती की अच्छा मायावती की हाँ यहाँ की जनता जो है पूरी जनता यहाँ के जो दिख रहे हैं लोग सभी लोग जो है मायावती को वोट करेंगे तो दादी दादी से बात करेंगे दादी चुनाव होने वाले हैं हाँ। चुनाव में जो है किसको वोट देंगे ओ माया के माया को सभी लोग मायावती को दे रहे सब के दे अरे वही जो है अखिलेश भी है मोदी अड़गुवन नायन है ना सब होना है दे तरह है अच्छा अच्छा हाँ वही अड़गुवन नाय है जबरी ले यही जाने अच्छा पिल्सी नहीं मिलती का दादी नहीं अच्छा पिल्सी मिल्सी में कुछ नहीं मिला था वही 5 किलो मिलता है 5 किलो 5 किलो में हो जाता है गुजारा अब चाहे जवान बिताई हूँ 5 किलो में हमारे क्यों नहीं अकेले हैं आप अकेले है अच्छा। कुछ नहीं मिला था न कॉलोनी मिली न कुछ मिली अब का करी अब ऊपर वाला जाने जैसे जियाओ तो बने जियाओ मर जा भाई नहीं तो इसी सब समस्याओं को लेकर जो है सरकार बदलेंगे हाँ, मायावती को हाँ बदल जाता है तो बहुत बढ़िया रहा भैया भैया जो है चुनाव होने वाले हैं चुनाव में बहुत सी पार्टी उतर रही है समाजवादी पार्टी है अखिलेश हैं योगी हैं मायावती भी हैं चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं तो किसको लाइक करते हैं आप किसको मायावती को तो चंद्रशेखर को क्यों नहीं लाइक करते हैं अरे अभी नई पार्टी है अभी वो संघर्ष करे उनको साथ में रहना चाहिए हमारी पार्टी पुरानी हो गई है हम उनके साथ रहेंगे वो संघर्ष कर चुकी है और साथ में काम उनका काम भी देखा गया है अभी आए जो है क्या कहते हैं इनको साथ में लगना चाहिए तब तो लाइक करेंगे चंद्रशेखर जो है मायावती के पास दो दो बार पत्र भेजे जुड़ने के लिए भेजे लेकिन वो जैसे इनका जो फंडा है वो उनको नहीं जम रहा है हम कह रहे आप एक समाज को लेकर के अगर चलेंगे तो एक समाज से तो आप सरकार बना नहीं सकते हैं आपको सर्व समाज की बात करनी चाहिए ना तो जो सर्व समाज को लेकर चलेगा उसको लोग लाइक करेंगे ना अच्छा फिर भी जो है आप मायावती को ही वोट देंगे चाहे जो भी हो जाए तो इसी सरकार में जो है महंगाई बेरोजगारी शिक्षा पर क्या ध्यान है आपका महंगाई को लेकर के बात करें तो जैसे अभी डीजल की बात कर ली जाए डीजल पेट्रोल ये सब सिलेंडर की बात कर ली जाए यहाँ तक कि अब ये कह रहे हैं कि जो है क्या कहते हैं महंगाई हम बढ़ा रहे हैं तो महंगाई के साथ साथ व्यवस्था भी दे रहे हैं लॉकडाउन में क्या कहते हैं जैसे गल्ला हो गया हाँ अब ठीक है 5 किलो आप गल्ला तो दे रहे हैं लेकिन अगर एक टाइम का सरसों का तेल आदमी खरीद करके खाएगा तो जितने में वो इससे पहले गवर्नमेंट में एक टाइम की सब्जी खाता था उतने का सरसों का तेल पड़ रहा है इस समय पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है ये आप उनसे बात करिए तो पूछते हैं तो सरसों का तेल डीजल पेट्रोल और क्या कहते हैं गैस सिलेंडर ईंधन की जितनी चीज़ें हैं जिससे हमारा सर्वाइवल चल रहा है जीविकोपार्जन जो है वो हमारा जो है क्या कहते हैं इतना महंगा होता है हम जैसे जो मजदूर आदमी है 300 रुपये पर डे कमाता है अगर रेशियो देखा जाए तो उसकी 150 रुपये के एक टाइम का भोजन का जो है व्यवस्था होता है बताइए वो आगे कैसे विकास करेगा आप तो जो है स्टूडेंट हैं या खाते कमाते हैं हाँ जी खाता कमाता हूँ इस समय अभी पढ़ाई नहीं चल रही है तो ऐसे जिस तरह से आप लोग मायावती को सपोर्ट कर रहे हैं वहीं बहुत सारी पार्टी है उस पार्टी को क्यों नहीं लाइक करते हैं इसलिए नहीं लाइक करें देखिए हम जो है क्या कहते हैं कि पहले से ही मायावती से जुड़े हुए हैं जो उनका क्या कहते हैं उनका जो काम है उनका काम जो रहता है वो सर्व समाज को लेकर के रहता है ठीक है जो संवैधानिक चीज़ है उसको लेकर के रहता है और सब जो है क्या कहते हैं कहीं ना कहीं उससे छेड़छाड़ करने लगते हैं इसलिए हम लोग जो है कि बहन जी को ही सपोर्ट करते हैं लेकिन योगी जी भी तो जो है राशन फ्री दे रहे हैं किसान निधि दे रहे हैं यार बताए तो राशन फ्री 5 किलो अगर एक आदमी को 5 किलो दिया जाए हम आपको 5 किलो दे अगर दे दें तो 5 किलो में आप महीने भर खा लेंगे हमें बताइए कोई भी 5 किलो में एक महीने खा सकता है क्या नहीं खा सकता ना चाचा आपका नाम क्या है तुलसीराम है अभी चुनाव होने वाले हैं 2022 में तो मुख्यमंत्री के रूप में किस विकल्प को देखते हैं मायावती या अखिलेश या योगी मायावती सीधे डायरेक्ट जो है सभी लोग मायावती को ही कहते हैं क्या हाँ, तो हम लोग मायावती को ही लाइक करते हैं अच्छा। हाँ शुरू से लाइक किए हैं लोग करते रहते हैं अच्छा। हाँ। आप किस बदलेंगे कि नहीं आप हम तो मायावती चाहते हैं अच्छा अच्छा बस मायावती का शासन अच्छा होता है क्या
अच्छा हो या बुरा हो उन्हीं ठीक है। जिस तरह से आप लोगों ने यहाँ देखा, काफ़ी महिलाओं से और बुजुर्गों से, युवाओं से बात हुई, यहाँ की जनता क्या चाहती है, टोटल जो है बसपा की सरकार चाहती है। इसी के साथ चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।